अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मसूद और आप देख रहे हैं जैकब जावेद टीवी। 2 फुट कद मगर ताकतवर डॉन, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये बच्चा कौन है और सियासतदान हमेशा अपने साथ ही क्यों रखते हैं? बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि कामयाबी और इज्जत अल्लाह पाक देने वाला है, यही वजह है कि आज 2 फुट का ये लिटिल डॉन पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आखिर ये है क्या, आइए हम बताते हैं। इस डॉन का नाम अब्दुल रऊफ है और ये रावलपिंडी में गुलिस्तान कॉलोनी का रिहायशी है। इसकी उम्र इस वक्त 13 साल है, लेकिन इसका कद नहीं बढ़ रहा है। आज 4थी क्लास में होने के बावजूद इस डॉन ने एक फिल्म और एक ड्रामा कर रखा है। फिल्म का उन्वान था मोहब्बत का बोरिया बिस्तरा गोल, जिसमें ये एक डॉन का किरदार निभा रहे थे। तब से ही ये डॉन के नाम से मशहूर हो गए। इस फिल्म में इनका मशहूर डायलॉग जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया वो था, तुम इधर जानू मानू कर रहे हो, घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो खिसको। आजकल सोशल मीडिया की इस मशहूर शख्सियत का कहना है कि अब पीछे देखने का दौर खत्म हो गया है, अब मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ। ये बात उन्होंने अहमद शाह नामी एक पठान बच्चे के बारे में कही, जो अपने इस डायलॉग से मशहूर हुआ कि पीछे तो देखो, ओ पीछे तो देखो ना। अब ये बच्चा कई टीवी शोज कर चुका है। अब्दुल रऊफ को सियासतदानों की तरह कपड़े पहनने का शौक है, इसीलिए वो हमेशा नफीस और बेहतरीन शलवार कमीज, वेस्ट कोट और पिशावरी चप्पल पहनता है और इसे मुस्तकबिल में अदाकार बनने का शौक है। जबकि इतने नखरे और बरहम दिखाने वाला ये डॉन आधी रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। ये डॉन साहब सिर्फ अपने मोहल्ले ही में मशहूर नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। यही वजह है कि सियासी वर्कर इसे अपनी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी इस मीटिंग को सोशल मीडिया पर उनकी वजह से देखें और हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। इनके वालिद का कहना है कि अगर हम घर में टैंकर भी पानी का डलवाएं तो इन्हें घर का पता ना भी बताएं तो वो भी हमारे घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें बस ये बोलते हैं कि डॉन के घर आना है। अपने बेटे की कामयाबी पर वालिद जहां खुश हैं, वहां ये भी कहते हैं कि पहले हमें डॉक्टर तसल्लियां देता और ये कहते थे कि ये बाकी भाइयों की तरह हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और मुझे भी मालूम नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खानदान में सबके कद नॉर्मल है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके अलावा ये घर में हुक्म चलाते हैं और खाना भी इन्हीं की पसंद का बनता है। अपने बारे में बात करते हुए अब्दुल रऊफ नामी इस डॉन ने बात यहाँ पर खत्म की कि लोगों को चाहिए कि हम जैसे लोगों का मजाक ना उड़ाया करें, क्योंकि रंग रूप कद और जिसामत सब अल्लाह पाक की देन है और आपके इस रवैये से हम जैसे लोगों का दिल दुखता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।